मध्य प्रदेश के बैतूल में पिछले 1.5 माह से अधिक हो गया लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे। वहीं बैतूल के दो युवा सरफराज खान और अतुल शर्मा गरीबों की सेवा में जुट गए हैं। सुबह से अपनी स्कूटी पर खाने के पैकेट रखकर निकल जाते हैं सरफराज और अतुल। अक्सर देखने में आता है कि लोग धर्म के नाम पर वाहवाही लूटते हैं, पर यह दोनों युवाओं का मजहब भले ही एक न हो पर सेवा की मिसाल कायम कर रहे हैं। दोनों युवा आपको बता दें कि पिछले 9 अप्रैल से बैतूल जिले में लॉकडाउन लगा हुआ, क्योंकि हमारा जिला महाराष्ट्र से लगा हुआ है, जिसके कारण जिले में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल चुका है। ऐसे में जब लोग अपने घरों से निकलने में भी घबरा रहे हैं, तब ये युवा बिना अपनी परवाह किए अस्पतालों में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के लिए भोजन के पैकेट बनाकर उन तक पहुंचा रहे हैं। वहीं शहर में जो लाचार गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, उन तक भोजन पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस नेक कार्य में लगने वाला खर्च भी ये दोनों युवा स्वयं की जेब से कर रहे हैं। इन दोनों का लक्ष्य है कि जो लोग इस लॉकडाउन की वजह से अपनी रोजी रोटी जुटा पाने में असमर्थ हैं, उनको भूखे न सोने देने का संकल्प हमने लिया है। यहां देखने वाली बात यह है कि इस भीषण महामारी के दौर में समाज सेवी संस्थाएं आगे आनी चाहिए और इनके इस पुण्य कार्य में हाथ बटाना चाहिए। पर यहाँ पर ये दोनों युवा बिना किसी मदद की दरकार के निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गए हैं। आइए इनसे जानते हैं कैसे इन्होंने इस सेवा कार्य की शुरुआत की। भारतीय न्यूज के लिए बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट। जब हमने देखा कि ये सेकेंड लॉकडाउन में इस समय अच्छे अच्छों की परिवार वालों की कमर टूट गई है, तब हमने सोचा कि क्यों ना हम लोगों को भोजन कराएं। तो उसकी शुरुआत करी फिर हम लोगों ने लोगों को भोजन कराने से। और फिर जब लोगों को पता चला कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो फिर लोगों ने कई हमसे जुड़े भी इस बहाने, और इस तरह धीरे धीरे हमारी टीम तैयार हो गई एक, और हम रोज़ लोगों को भोजन कराने लगे। कितना पैकेट आप रोज़ के बांटते? हम लगभग 200 पैकेट रोज़ के बांटने लगे थे, और जिसमें जिला चिकित्सालय, रैन बसेरा, बस स्टैंड और कुछ निजी अस्पतालों के सामने भी बाहर मरीजों के परिजन थे, उन्हें हमने भोजन कराया। लगभग अभी कितने आप पैकेट कुल कितने बांट चुके हैं? अभी लगभग हम कुल 4 से 5 हज़ार पैकेट बांट चुके हैं। कब तक क्यों बांटते रहेंगे आप? ये जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक के हम बांटेंगे। ये पूरा हमारा को आज 16 दिन हो गए हैं बांटते बांटते, और 200 से ऊपर ही हमारे पैकेट डेली बांटते हैं। ये हमने नंबर जारी कर दिए हैं, प्रेस में भी विज्ञप्ति दी थी और फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से नंबर जारी कर दिए हैं। जिस किसी को भी आवश्यकता है वो बिल्कुल भोजन के लिए हमें फ़ोन करें, हम सुबह और शाम के भोजन की व्यवस्था उनकी पूर्ण रूप से करवाएंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। इसका फंड कहाँ से आ रहा है? इसका फंड की कोई ऐसा वो नहीं है, हम लोग आपसी सहयोग से ही ये सारी चीज़ कर रहे हैं। हम लोग यूथ कांग्रेस के लोग मिलकर इस कार्य में सभी लोग का यानी बराबरी से भागीदारी। कहाँ कहाँ पर बांटते हैं? हम जिला अस्पताल, बस स्टैंड, रेन बसेरा, और जिन लोगों के फ़ोन आते हैं जैसे भगुडाना बीआरसी से फ़ोन आता है हमें, इधर से ग्रीन सिटी से फ़ोन आते हैं, जहाँ भी यानी एक्स वाई जेड कोई भी रहे बैतूल में, हम उस तक खाना पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हैं। कब से चल रहा है और ये कब तक आप इस खाना? हमारा संकल्प तो यही है कि 31 मई तक के अगर लॉकडाउन रहा तो 31 मई तक हम लोगों की सेवा करेंगे। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।